तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार क्लासिफिकेशन में आपको दोबारा याद दिला दूँ, तो हमें वर्टिब्रेटा पढ़ना है। ये एक डिवीज़न है, ठीक। और इसके दो क्लासेस हमें पढ़ने हैं, एक है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा, ठीक। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा जो है, इसमें जॉ नहीं होता यानी जबड़ा नहीं होता है, और इसकी एक क्लास हमें पढ़नी है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। दूसरा है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में जॉ होता है, बियर्स जॉ, और इसकी सुपर क्लास है दो पढ़नी हमको। पहली है पाइसेस, जिसमें फिश आती हैं यानी मछलियाँ आती हैं, इनके पास फिन्स होते हैं यानी पंख होते हैं तैरने के लिए, ठीक। और दूसरा है टेट्रापोडा, जैसे पोडा जो मीन्स होता है, पोडा मीन्स हाथ पैर, तो ये जो टेट्रापोडा होता है इनमें लिम्ब्स होते हैं। लिम्ब्स मतलब जैसे हमारे पास हाथ पैर होते हैं तो उनको लिम्ब कहा जाता है, ठीक। तो पाइसेस में हमको क्लासेस दो पढ़नी है, पहली है कॉन्ड्रोक्थिक्स और दूसरी है ऑस्टेक्थिस। टेट्रापोडा में हमें चार क्लास पढ़नी है, पहली है एम्फीबिया, फिर रेप्टीलिया, फिर एव्स और फिर मैमल्स, ठीक, चार। तो इस हिसाब से पढ़ना है। अब हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे, फिर कॉन्ड्रोक्थिस, फिर ऑस्टेक्थिस, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टीलिया, एव्स और मैमल, ठीक। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा से। तो जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, इसके बारे में पहली चीज़ ये है कि ये एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक्टो पैरासाइट मतलब होता है कि बाहर से जो किसी दूसरे फिश पे रहें, तो ये जितनी फिश इसमें आती हैं साइक्लोस्टोमेटा में, जितनी फिश होती हैं वो किसी ना किसी और फिश के ऊपर रहती हैं, बाहर बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, ठीक। तो इसीलिए एक्टो पैरासाइट कहा जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। स्लिट्स मतलब छेद, तो गिल के लिए 6 से 15 पेयर छेद होते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पेट्रोमाइजोन का हमें फिगर दिया गया है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये सारी गिल स्लिट्स हैं हमारी। तो यहाँ पे 7 पेयर गिल स्लिट्स दिखाया गया, 7 इधर होंगे, 7 मछली को उस साइड होंगे, ठीक। तो ये होती हैं गिल स्लिट्स। तो 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, याद रखिएगा, 6 to 15 पेयर्स। फॉर रेस्पिरेशन, गिल का काम आपको पता है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। फिर साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग के लिए और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। जॉ तो होता नहीं, जबड़ा होता नहीं, माउथ जो होता है गोल होता है, और ये सकिंग में काम आता है यानी चूसने में। तो जिस मछली के ऊपर रहती हैं उसका खाना या फिर उसका ये खून चूस सकती हैं, ठीक। फिर उसके बाद देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल। डिवाइड मतलब नहीं होती, तो इनके बॉडी पे स्केल्स नहीं होती। स्केल्स मतलब धारियाँ, धारियाँ नहीं होती इनके, और पेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों चीज़ जो होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं यानी कार्टिलेजिनस होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है और क्रैनियम जो होता है, दोनों कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन जो होता है क्लोज्ड होता है, और साइक्लोस्टोमेटा जितने भी होते हैं सब मैरिन होते हैं, ठीक। लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है, कि पहले तो ये मैरिन होते हैं यानी खारे पानी में रहते हैं, फिर लेकिन ये माइग्रेट करते हैं यानी मूव कर जाते हैं खारे पानी से फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए यानी अंडे देने के लिए। तो जब इनको अंडे देना होता है तो ये खारे पानी से सादे पानी में चले जाएंगे, फ्रेश वाटर में चले जाएंगे, फिर अंडे देने के कुछ दिन बाद वहाँ पर रहेंगे और ये मर जाएंगे। कुछ दिन बाद अंडे देने के मर जाएंगे, और जो इनका लार्वा होगा वो जब बड़ा हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस से बड़ा होता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे लार्वा एडल्ट में चेंज होता है, ठीक। तो जो लार्वा होता है वो पहला मेटामॉर्फोसिस करेगा, तो बड़ा बन जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद वापस ओशन में चला आएगा। तो लाइफ स्टाइल इनकी ऐसे ही चलती रहती है, ठीक। फिर अब एग्जाम्पल देखने हैं इसके। पहला है पेट्रोमाइजॉन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो फिगर दिया गया है ये पेट्रोमाइजॉन का है, ठीक, याद रखिएगा, और इसको कॉमनली लैम्प प्रे कहते हैं। दूसरा है माइग्जीन, माइग्जीन को कॉमन हम हैग फिश कहते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, लाइफ स्टाइल इनकी याद रखनी है आपको, कि ये होते तो मैरीन है लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए। वहाँ इनका लार्वा जो होता है वो बड़ा होने के बाद वापस से मैरीन यानी ओशन में चला आता है, ठीक। और दूसरी चीज़, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। अब हम चलते हैं अगले क्लास पे। तो दूसरा क्लास है हमारा कॉन्ड्रोक्थाइस। कॉन्ड्रोक्थाइस में मैरीन एनिमल्स होते हैं और स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब
बीच में बॉडी मोटी होगी, जैसे ये देखिए ये जो मछली है यहाँ पे बीच में मोटी होगी और आगे और पीछे पतली होगी, इसको स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। जैसे एक एयरप्लेन का शेप होता है, एरोप्लेन का आपने देखा होगा स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक। तो मैरीन एनिमल्स होते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, कार्टिलेज का बना हुआ एक एंडोस्केल्टन होता है इनके पास, स्केल्टन सिस्टम यानी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद माउथ जो होता है वेंट्रली होता है लोकेटेड, जैसे हम लोग का माउथ वेंट्रल साइड में होता है वैसे इनका भी वेंट्रल साइड में होता है। फिर दूसरी चीज़, नोटोकॉर्ड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी नोटोकॉर्ड पूरी ज़िंदगी भर रहती है, ठीक। और फिर उसके बाद जो गिल स्लिट्स होते हैं उनमें ऑपरकुलम नहीं होता है, ऑपरकुलम मतलब होता है गिल का कवर, ठीक। तो कवर नहीं होता है गिल्स, गिल स्लिट्स के ऊपर कवर नहीं होता है, ऑपरकुलम याद रखिएगा, गिल स्लिट्स आर विदाउट विदाउट ऑपरकुलम, ठीक। फिर उसके बाद जो स्किन होती है इनकी, ये टफ होती है, कड़ी होती है, और स्किन पे प्लेकॉयड स्केल्स पाई जाती हैं, यानी धारियां पाई जाती हैं जिनको हम प्लेकॉयड नाम से जानते हैं। फिर जो टीथ होता है इनका यानी दांत, वो यही प्लेकॉयड जो स्केल्स होती हैं यही टीथ में बदल जाती हैं, जहाँ पे दांत होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉयड स्केल्स, जो प्लेकॉयड स्केल्स होती हैं यही टीथ बनाती हैं, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि पीछे की ओर होते हैं, ठीक। तो इनके दांत कुछ इस टाइप से पीछे की ओर रहते हैं। फिर उसके बाद दियर जॉज आर वेरी पावरफुल, जो जॉ होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्यों क्यों पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये जो प्रेडेसियस होते हैं एनिमल्स, प्रेडेसियस मतलब शिकारी, तो इनको शिकार करना होता है और दूसरे एनिमल को मारना होता है, तो इसीलिए जॉज जो होते हैं जबड़े होते हैं पावरफुल चाहिए होते हैं, ठीक। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एब्सेंस होता है, एयर ब्लैडर नहीं होता है, ठीक। तो एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर यानी इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, हवा की, अब जब हवा होगी नहीं इनके अंदर तो ये कॉन्स्टेंटली तैरती रहती हैं, अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, यानी डूबने को, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए, ये अपनी ज़िंदगी भर इनको लगातार तैरना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, क्योंकि जो एयर ब्लैडर होता है वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है, यानी उसके वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में कभी एक जगह रुक सकती हैं, लेकिन इनमें एयर ब्लैडर होता ही नहीं है, तो इनको लगातार तैरना पड़ता है सिंकिंग अवॉइड करने के लिए। फिर आगे कुछ पढ़ना है लेकिन उसके पहले हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल हमारा स्कॉलीडॉन का दिया गया है, जिसको आप डॉग फिश भी कहते हैं, ये दूसरा हमारा प्रिस्टिस का एग्जांपल दिया गया है, ये दोनों एग्जांपल है, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है जो हर्ट होता है इनके पास, टू चैम्बर्ड होता है, एक ही ऑरिकल होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा, ठीक। तो दो चैम्बर हर्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखने मिलते हैं, ये करंट मारती है मछली, ठीक। फिर उसके बाद कुछ में पॉइजन की स्टिंग यानी डंक देखने को मिलता है, जहरीला, जैसे कि ट्राइगन, ट्राइगन बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, याद रखिएगा, पॉइजन स्टिंग पाई जाती है इनमें, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइक्लोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है कि ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें यानी अपनी बात करें तो हमारे बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कब होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे जब हो, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन कर रखा है, बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए लेकिन अंदर हमारी बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जो ये फिशेज होती हैं ये पाइक्लोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर सकती हैं, बाहर टेम्परेचर जैसा होगा उसी हिसाब से बॉडी का इनके टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, जबकि जो हम लोग हैं यानी ह्यूमंस, हम वार्म ब्लडेड होते हैं और हम चेंज नहीं होने देते टेम्परेचर के बॉडी को, ठीक। फिर उसके बाद जो मेल्स होते हैं उनमें फिंस जो होते हैं, पेल्विक फिंस यानी जो पेल्विक रीजन में फिंस होते हैं, पेल्विक मतलब हिप रीजन, हिप रीजन में जो पेल्विक होते हैं उनमें क्लैस्पर्स होते हैं, क्लैस्पर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ह्यूमन मेल में हमारे पास पेनिस होता है वैसे ही इनमें क्लैस्पर्स होते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद एग्जाम्पल स्कॉलिडॉन आपने ऊपर देखा ही था, डॉग फिश जिसे कहते हैं। फिर प्रिस्टिस जिसको सॉ फिश कहते हैं, सॉ मतलब आरी, ठीक। फिर कैरकेडॉन, कैरकेरोडॉन को ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं। फिर है ट्राइगन, ट्राइगन को स्ट्रिंग स्टिंग रे कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्लास पे।
तो अगली क्लास है हमारी ऑस्ट्रिक्थाइस। जो ऑस्ट्रिक्थाइस होती हैं इनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। बोनी फिशेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास जो एंडो स्केल्टन होता है वो बोन का बना होता है, यानी बोनी एंडो स्केल्टन होता है इनके पास। ठीक, इसके पहले हम कॉन्ड्रोक्थाइस पढ़ रहे थे। कॉन्ड्रोक्थाइस जो होती हैं उनमें आपने देखा था एंडो स्केल्टन कार्टिलेज का बना था, तो जो कॉन्ड्रोक्थाइस होती हैं उनको हम कार्टिलेज फिश कहते हैं। ठीक, और ऑस्ट्रिक्थाइस को बोनी फिशेस कहते हैं। फिर उसके बाद ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होती हैं। ठीक, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, यानी बीच में मोटी होगी और साइड साइड में पतली होगी। फिर उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, माउथ इज़ टर्मिनल, मोस्टली टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एकदम कोने पे माउथ होता है, किनारे पे एकदम आगे। तो माउथ हम जरा फिगर में एक बार देख लेते हैं माउथ। तो जैसे ये फिश है, एक कैटला, इसका नाम है, बोनी फिश का एग्जाम्पल है। तो देखिए आप, यहाँ पे मुंह है तो एकदम किनारे पे हो। जैसे ये है सी हॉर्स, इसका मुंह यहाँ पे है। तो जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, यानी एकदम किनारे पे होता है। आगे बढ़ते हैं। दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास चार पेयर गिल्स होते हैं। ठीक, और ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है, यानी गिल का जो कवर होता है वो प्रेजेंट होता है इनके पास। फिर उसके बाद जो स्किन स्किन होती है इनकी, वो साइक्लॉयड या टेनोयड स्केल्स से कवर होती है। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा था प्लेकोयड स्केल्स थी, तो यहाँ पे साइक्लॉयड या टेनोयड स्केल्स हैं। ठीक, तो जो धारियाँ होती हैं यहाँ पे इनको साइक्लॉयड कहते हैं। फिर इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लेडर से क्या होगा, ये एक जगह पे पानी में रुक सकती हैं, विच रेगुलेट्स बॉयंसी, जिससे इनको बॉयंसी मिलती है, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलता है जिसके वजह से एक जगह पे पानी में रुक सकती हैं ये। फिर उसके बाद जो हर्ट होता है वो टू चैम्पर्ड होता है। ठीक, टू चैम्पर्ड हर्ट होता है, वन ऑरिकल होगा, वन वेंट्रिकल होगा। तीसरी चीज़ है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये भी पॉइक्लोथर्मस होती हैं, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते खुद से। ठीक, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक, जहाँ जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है आप नोट कर लीजिएगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन इज़ यूजली एक्सटर्नल और मोस्टली ओवर ओवीपेरस होती हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक, तो कुछ खास बात थी नहीं याद करने के लायक, लेकिन ये है कि जो ये होती हैं फिशेस ऑस्ट्रियोक्थिस, और हमारी जो इसके जस्ट पहले हमने क्लास पढ़ी कॉन्ड्रोक्थिस, इन दोनों में डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट जरूर याद रखिएगा। जैसे इसके पहले जो क्लास थी उसमें सिर्फ मैरीन एनिमल्स थे, जब मैरीन फिशेस थी, जबकि ये क्लास जो है इसमें मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों है। इसके पहले जो क्लास थी उसमें एंडोस्केल्टन कार्टिलेज का था, यहाँ पे बोनी है। इसके पहले जो क्लास थी उसमें जो फिन्स थे वो 6 से 15 पेयर थे, जबकि यहाँ पे 4 पेयर हैं। ठीक, तो और उसमें ओपरकुलम एब्सेंट था, यहाँ ओपरकुलम प्रेजेंट है। तो इस टाइप के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो हैं एक दूसरे से अलग, उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस बताने को आ जाता है कभी कभी अगर आप बोर्ड्स देंगे। ठीक, फिर एग्जाम्पल में जो मैरीन के एग्जाम्पल, उनको आपको अलग याद रखना है और फ्रेश वाटर के अलग। मैरीन में है एग्जोसीटस, एग्जोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। दूसरा हिप्पोकैम्पस, जिसको आप सी हॉर्स कहते हैं, अभी मैंने दिखाया था सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो है जिसको रोहू कहा जाता है। कैटला है जिसको कॉमन कैटला ही कहा जाता है, लेकिन इसमें स्पेलिंग चेंज होती है। ठीक, फिर क्लैरियस है जिसको मांगूर कहते हैं आप। फिर एक्वेरियम में रखे जाने वाली फिशेस, पहली है बेटा जिसको फाइटिंग फिश कहते हैं, फिर है टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश कहते हैं। ठीक, तो देखने में अच्छी होती है इसीलिए रखी जाती है। तो ये हमारी क्लास ख़त्म होता है ऑस्ट्रिक्थाइस का। अब हम चलते हैं एम्फीबियंस पे। ठीक, तो अगली क्लास हमारे पास है एम्फीबिया। एम्फीबिया दो वर्ड से आया है, एक एम्फी एक बायोस। तो एम्फी मतलब जो होता है वो डुअल होता है, बायोस मतलब होता है लाइफ। तो डुअल यानी दो लाइफ। तो यहाँ एम्फीबियंस में दो मोड होता है लाइफ का, ये पानी में भी रह सकते हैं यानी एक्वेटिक, और टेरेस्ट्रियल दोनों। तो एक ही ऑर्गेनिज्म पानी में भी रख सकता है और लैंड में भी रह सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, फ्रॉग आप जानते हैं जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो एम्फीबियन में दो मोड दिखता है लाइफ का, एक्वेटिक भी यानी पानी वाला, और टेरेस्ट्रियल यानी जमीन वाला। मोस्ट ऑफ देम टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, दो पेयर लिम्ब होते हैं, जैसे कि मतलब चार पैर होते हैं, आप सिंपली समझिए। ठीक, दो पेयर, और बॉडी का जो डिवीजन होता है वो हेड और ट्रंक में होता है। ठीक, फिर उसके बाद टेल्स, टेल भी हो सकती है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ में ऐसे हैं जो टेल प्रेजेंट होती है। इनकी स्किन खास है, स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, यानी नमी रहती है हमेशा स्किन में, और विदाउट स्केल्स, स्केल्स नहीं पाई जाती स्किन में। ठीक, तो
मॉइस्चर जो होता है स्किन के ऊपर, मॉइस्चर जो होती है उससे इनके ब्रीदिंग में हेल्प मिलती है, ठीक। तो इसी वजह से स्किन जो होती है वो हमेशा उस पर थोड़ा पानी लगा रहता है, मॉइस्चर रहती है। फिर आँखों पे जो होता है वो आईलिड्स होते हैं, पलके होती हैं। अभी जो आपने क्लासेस पढ़ी थी उनमें पलके नहीं मिली थी आपको, ठीक। तो इस क्लास में आपको आँख के ऊपर पलक मिलेगी। फिर टिम्पेनम होता है एक, टिम्पेनम मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर, रिप्रेजेंट द ईयर। तो टिम्पेनम जो होता है वो देखने में दिखता तो सिंपली है, ये जो ये ब्लैक कलर का गोला बना हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का छोटा सा गोला, तो इसको टिम्पेनम बोलते हैं। ये हियरिंग का काम करता है। तो जैसे हमारे पास कान होता है वैसे इनके पास टिम्पेनम होता है, ठीक। फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन चैम्बर में खेलते हैं, जिसको क्लोएका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिएगा तीन चीज़ें, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक। तो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन के लिए, यूरिनरी जो होता है एक्सक्रीशन के लिए, और रिप्रोडक्टिव जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ये तीनों के तीनों एक ही कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसको क्लोएका कहते हैं, और ये क्लोएका फिर बाहर की ओर खुल जाता है, ठीक। फिर उसका रेस्पिरेशन जो यहाँ पे है वो गिल्स के थ्रू भी है, लंग्स के थ्रू भी है, और स्किन के भी थ्रू है, ठीक। तो इसी वजह से स्किन मॉइस्ट रहती है जिससे रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। फिर हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड है, तीन चैम्बर होंगे, दो ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक। थ्री चैम्बर हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पॉइकिलोथर्मस होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। दूसरी चीज़, ये अंडे देते हैं यानी ओवीपेरस होते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आपको पता है फ्रॉग में लार्वा देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक। तो अब एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, ज़्यादातर आपको पता ही, ये बूफो, बूफो जो होता है उसको टोड कहते हैं कॉमनली, ये भी एक तरह का फ्रॉग ही समझ लीजिए आप। राना जो कॉमन फ्रॉग होता है, हाइला ट्री फ्रॉग जिसको कहते हैं, तीन चार तो फ्रॉग ही हो गए। फिर सेलामेंडर जिसको सेलामेंडर कहते हैं, इक्टियोथिस लिम्बलेस एम्फीबिया एक कहता है, ठीक। तो ये याद होना चाहिए एग्जाम्पल्स आपको, कॉमन नेम याद होने चाहिए। दो एग्जाम्पल यहाँ पे आप दिए हैं, दोनों आपने रियल लाइफ में देखे ही होंगे। तो एक तो राना है ये जिसको फ्रॉग कहते हैं, और ये सेलामेंडर आपका यहाँ पे। तो ये दोनों हो गया और हमारा एम्फीबिया क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास है हमारी रेप्टीलिया। जो रेप्टीलिया का नाम पड़ा है वो लैटिन वर्ड रिपियर से या रेप्टम से पड़ा है, जिसका मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना, मतलब रेंगना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेंग के चलने वाले होते हैं, ठीक। क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनमें। ज़्यादातर टेरिस्ट्रियल होते हैं यानी जमीन पर रहने वाले होते हैं, और जो स्किन बॉडी होती है पूरी वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन की होती है, मतलब सूखी बॉडी होगी। कॉर्निफाइड मतलब होता है कि बॉडी की जो स्किन होगी बहुत ही हार्ड होगी, ऊपरी सरफेस, जैसे क्रोकोडाइल को देखे होंगे आप, नहीं भी देखे होंगे तो फिल्में में देखे होंगे, तो उसकी जो सरफेस होती स्किन होती है बहुत ही हार्ड होती है, तो उसको कहते हैं कॉर्निफाइड स्किन, ठीक। फिर एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाएंगे, स्केल्स या स्क्यूट्स। तो स्केल्स मतलब धारियाँ होती हैं, और स्क्यूट्स कुछ इस टाइप से दिखते हैं, जैसे ये है, ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्क्यूट्स कहते हैं, ठीक। क्रोकोडाइल का पैर है ये एक, तो स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाएंगे, ठीक। एपिडर्मल मतलब होता है स्किन की लेयर पे। फिर उसके बाद इनके पास भी सिर्फ टिम्पेनम होता है ईयर के नाम पे। फिर अगर लिम्ब होंगे यानी हाथ पैर होंगे तो दो पैर होंगे यानी चार होंगे, जैसे कुछ में हाथ पैर नहीं होते हैं जैसे स्नेक्स हो गए, सांपों में हाथ पैर होते नहीं है, तो अगर होंगे तो दो पैर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक। हार्ट जो जनरली होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक अकेला ऐसा रेप्टाइल है जिसमें आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक। तो चार चैम्बर देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर ये भी पॉइक्लोथर्मस होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर जो स्नेक्स और लिजार्ड हैं ये अपनी स्केल्स को शेड कर सकते हैं, शेड करना मतलब गिरा सकते हैं, ठीक। तो जिसको आप कवच कहते हैं, तो स्नेक्स और लिजार्ड जो हैं ये शेड करते रहते हैं एज स्किन कास्ट, स्किन के रूप में अपनी जो स्केल्स होती है उनको शेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो कुछ खास नहीं है लेकिन एग्जाम्पल्स इसके खास हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल पहले चिलोन जिसको आप टर्टल कहते हैं, फिर टेस्ट्यूडो जिसको टॉर्टाइस कहते हैं। टॉर्टाइस और टर्टल में डिफरेंस पता है ना, टर्टल जो होता है वो समुद्र में रहता है, और टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टाइस जो होता है जनरली लैंड में रहता है या फिर साफ पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में, मैरीन में नहीं रहता। फिर कैमिलियन जिसको आप ट्री लिजॉर्ड कहते हैं,
फिर है कैलोट्स, गार्डन की गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक, एलिगेटर जिसको घड़ियाल कहा जाता है, इसका भी नाम एलिगेटर ही है सिंपल, हेमीडेक्टाइलस जिसको वॉल लिजार्ड कहते हैं जो घर में पाई जाती है, पॉइजनस स्नैक्स की कैटेगरी में दो चार दिए गए, पहला नाजा, नाजा जैसे कोबरा, ठीक, बैंगरस, बैंगरस करैत, और फिर वाइपेरा जिसको आप वाइपर कहते हैं। तो ये आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं और इसके कॉमन नेम आप जरूर याद रखिएगा, और क्रोकोडाइल के बारे में ये जरूर याद रखिएगा कि इसके फोर चैम्बर्ड होल्ट होता है, एक अकेला ऐसा है, ठीक। तो बस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, फिर अब हम चलते हैं बर्ड्स पे। बर्ड्स से पहले एग्जांपल देख लेते हैं जो दिए गए हैं। पहला कैमिलियन यहाँ पे दिखाया गया है आपको, एनसीटिन दिखाया है, फिर क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चिलॉन दिखाया गया है, और फिर उसका नाजा यानी कोबरा दिखाया गया है, ठीक। तो ये चार एग्जांपल आपको एनसीईआरटी ने दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे आपको स्केल्स दिख रही हैं, धारियाँ, ठीक, और यहाँ पे आपको स्क्यूट्स दिख रहे हैं यानी उभरे हुए स्ट्रक्चर्स जो हैं, तो ये चीज़ें इनमें पाई जाती है। तो एग्जांपल्स देख के आपको आसानी से पता लग सकता है। अब हम चलते हैं बर्ड्स पे यानी एव्स पे। तो अगला क्लास है हमारा एव्स। एव्स जो होता है यानी इनको बर्ड्स को कहते हैं एव्स, इनकी सबसे बड़ा कैरेक्टर है जो है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स यानी पंख होते हैं इनमें, और ज़्यादातर जो होती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस को छोड़ के बाकी सब उड़ सकती हैं। फ्लाइटलेस में क्या आती है, ऑस्ट्रिच, कीवी भी आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रिच और कीवी, ये दोनों फ्लाइटलेस होती हैं, ठीक। दूसरी चीज़, इनके पास बीक होती है यानी चोच होती है, तो उससे आप खाना वाना खा सकती हैं। फिर जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, तो जो इनके पंख होते हैं वो जो आगे के पैर होते हैं वही मॉडिफाई होके पंख बना देते हैं, ठीक। फोर लिम्स मतलब आगे वाले पैर, तो आगे वाले पैर मॉडिफाई होके विंग्स बना देते हैं। फिर जो पीछे वाले पैर होते हैं यानी हैंड लिम्स, इनमें स्केल्स पाई जाती हैं, और जो पीछे वाले होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या क्लैस्पिंग के लिए, क्लैस्पिंग मतलब झपटना या फिर पकड़ना, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक, पेड़ की टहनियों को पकड़ना, तो इस चीज़ों में जो पीछे वाले पैर होते हैं वो सब हेल्प करते हैं, ठीक। फिर स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, और किसी तरह का कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता स्किन के ऊपर, क्योंकि ये भारी बना देगा तो उड़ने में दिक्कत होगी, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड एक अकेला ग्लैंड है जो पाया जाता है, वो भी स्किन पे नहीं, एकदम बेस पे पाया जाता है, टेल के जो पूंछ होती है उसके बेस पे पाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जो एंडोस्केलेटन होता है फुल्ली ऑसिफाइड होता है यानी पूरा बोनी एंडोस्केलेटन इनके पास पाया जाता है, और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, हॉलो मतलब अंदर से खोखली, विथ एयर कैविटीज, और अंदर एयर कैविटीज यानी हवा का जगह बनी रहती हैं जिसको आप न्यूमेटिक कहते हैं, क्योंकि बर्ड्स को उड़ना होता है तो जितना वजन कम हो सके उतना ये कम करना चाहती हैं, इसीलिए जो लंबी बोन्स होती हैं वो ज़्यादा भारी ना हो जाएं और उड़ने में उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए वो हॉलो हो जाती हैं यानी खोखली हो जाती हैं, और उनके अंदर न्यूमेटिक पाया जाता है यानी कि एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं। फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, इसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, चैम्बर्स मतलब खाने, कुछ एडिशनल ऐसे खाने पाए जाते हैं जिसका नाम है क्रॉप और गिजर्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इनका फंक्शन भी अभी पता चलेगा। हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक, चार चैम्बर का हार्ट होता है, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं उड़ना होता है तो उड़ने के लिए एनर्जी काफ़ी चाहिए, तो इसी वजह से हार्ट का चैम्बर चार होता है। तो अगली चीज़ है दे आर वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस होती हैं, यानी हम लोग की तरह ये अपना जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कर सकती हैं, एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन कर लेती हैं। फिर आप रेस्पिरेशन को देखते हैं, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, और एयर सैक्स इनमें पाए जाते हैं जो कि लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, और सप्लीमेंट रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है, तो रेस्पिरेशन को और अच्छा बनाने के लिए इनके पास एयर सैक्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, ठीक। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ओवीपेरस यानी अंडे देती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ये भी सिंपल सी चीज़ है, देखा हुआ होगा आपने। अच्छा, क्रॉप एंड गिजर्ड के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्रॉप, तो जो क्रॉप नाम का चैम्बर होता है ये थोड़ी देर के लिए फूड स्टोर का करने में काम आता है, जैसे जो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती है तो वो क्या करती है, पहले उस कीड़े को खुद खा लेगी, और वो जाके क्रॉप में रख जाएगा कीड़ा,
फिर उसके बाद जब वो घोंसले पे लौटेगी तो वो अपने मुंह से खाना निकाल देगी, और मतलब क्रॉप नाम का जो चैम्बर होता है उसके पास, उसमें से खाना निकाल देगी और बच्चे को खिला देगी। तो क्रॉप जो है वो फूड स्टोर करने के लिए, थोड़ी देर के लिए फूड स्टोर करने को यूज़ होता है, ठीक। और जो गिजार्ड चैम्बर है, गिजार्ड जो होता है, ये जो चिड़िया जब दाना खाती है तो उसके साथ छोटे मोटे पत्थर भी चले जाते हैं, ठीक, पत्थर या फिर लकड़ियाँ हो गई, तो उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए जो हार्ड होती हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा चैम्बर होता है, मस्कुलर होता है, मसल का बना हुआ चैम्बर होता है, और जो इस छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं उनको सबको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। तो ये दो चैम्बर, इनका आपको काम पता चल गया, क्रॉप और गिजार्ड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में पहले हमारा कॉर्वस, जिसको कौवा कहते हैं, क्रो, फिर कोलम्बा जिसको पिजन कहते हैं, ठीक, फिर इसका सिटाक्यूला जिसको पैरट कहते हैं, तोता यानी, फिर स्टोथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, मोर, फिर है एपेंटेडाइट्स जिसको पेंगुइन कहते हैं, फिर है नियोफ्रॉन जिसको वल्चर कहते हैं, ठीक। तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है उसको जरूर याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है नियोफ्रॉन यानी वल्चर, दूसरा है ऑस्ट्रिच, फिर तीसरा है पैरट, चौथा है पीकॉक, ठीक। तो ये चार एग्जांपल आपको दिए गए हैं, बर्ड्स अपने खूबसूरती के लिए तो जानी ही जाती हैं, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारा बर्ड्स का ख़त्म होता है, अब हम पढ़ते हैं मैमल। अच्छा, मैमल्स में हम भी लोग भी आते हैं, ठीक। तो मैमेलिया क्लास जो है, जो नाम पड़ा है मैमल, ये मैमरी ग्लैंड से पड़ा है, यानी जो हमारे वहाँ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ठीक। तो इसके वजह से हमारा नाम मैमेलिया पड़ा है। जितने भी मैमल्स आपको दिखेंगे सब में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होगा, यानी मैमरी ग्लैंड होगा जिससे दूध निकलता है, ठीक। तो अब आगे बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो हैबिटेट्स, ये ज़्यादातर हर जगह पाए जाते हैं, मतलब हर जगह नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जगह, जैसे कि पोलर आइस कैप्स पे, ठीक, पोलर रीजन पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, डेजर्ट्स यानी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, माउंटेन्स पे इतनी ऊँचाइयों पर, जंगलों में, ग्रास लैंड्स में, तो ज़्यादातर हर जगह, डार्क केव्स में, गुफाओं में, ठीक। तो ज़्यादातर ये हर जगह पाए जाते हैं मैमल्स। फिर कुछ होते हैं जिनमें फ्लाई यानी उड़ने के एडॉप्शन होता है, या फिर पानी में रहने का एडॉप्शन होता है, जैसे आपको ये दिखाया गया बैट, चमगादड़, तो ये इसमें उड़ने का एडॉप्शन होता है, ठीक। तो सम आर हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। फिर मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको आप मेमरी ग्लैंड कहते हैं, इसी के बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है, तो ईजी है याद करना। बाई विच यंग वंस यानी जो बच्चे होते हैं आर नरिश्ड, उनको न्यूट्रिशन उसी से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक, मिल्क से प्रोवाइड किया जाता है। दो पेयर लिम्स होते हैं, जैसे हमारे पास दो हाथ हो गया, दो पैर हो गया, चार टोटल हो गया, यानी कि दो पेयर हो गया, ठीक। एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, क्लाइंब कर सकते हो, बोरिंग कर सकते हो, स्विमिंग, फ्लाइंग, जो मन करे वो करो। फिर अब स्किन के बारे में पढ़ते हैं। मैमल्स की स्किन जो है वो यूनिक है क्योंकि इनमें हेयर होते हैं, हमारे स्किन पे, बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, ठीक, बाल पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर हमें पाए जाते हैं जिसको पिन्ना कहते हैं, आपने देखा है बगल बगल लगे हुए हैं, ठीक, देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, कई तरह के जॉ में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। फिर हम होम्योथर्मस होते हैं, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को लगातार एक ही पे मेंटेन किए रहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो 37 ही रहेगा हर समय, ठीक, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर समय 37 ही रहेगा। फिर रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स से होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन आपको पता है इंटरनल होता है। विवीपेरस होते हैं यानी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, एक दो एक्सेप्शन है इसके। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी लार्वा वाली स्टेज हमें नहीं पाई जाती है। तो ये हो गया मैमल्स का फीचर, जिसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें पता ही है, खुद को देख के पता चल जाएंगी। फिर आते हैं अब एग्जाम्पल्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो वीवी पेरस होते हैं, यानी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवी पेरस का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऑर्निथोरिंकस, जिसको आप प्लेटीपस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक अकेला मैमल जो कि अंडे देता है, ठीक। दूसरा है वीवी पेरस में, बाकी के एग्जाम्पल्स हैं मार्कोपस जिसको कंगारू कहते हैं, टेरोपस, फ्लाइंग फॉस, कैमलस जिसको कैमल कहा जाता है, मकैका, मंकी, रेटस, रैट, कैनिस, डॉग, फिर है फेलिस जिसको कैट कहते हैं, एलिफास, एलिफेंट। बेसिकली कई सारे साइंटिफिक नाम है यहाँ पे, और कुछ नहीं, लेकिन याद करने भी ज़रूरी है क्योंकि नीट में पूछ लिए जाते हैं।
फिर एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस जिसको कॉमन डॉल्फिन कहते हैं, बेलेंट्रोपेरा जिसको ब्लू वेल कहा जाता है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, और पैंथेरा लियो जिसको लॉयन कहते हैं। तो ये हो गया आपका एनिमल किंगडम। हाँ, ख़त्म हो गया एनिमल किंगडम। अब जरा एग्जांपल का फिगर्स देख लेते हैं। तो 4-6 एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। तो ये जो है ये प्लेटीपस है, ठीक है, एक अकेला मेमल जो कि अंडे देता है। ये हो गया कंगारू, बैट यानी चमगादड़, ब्लू वेल। तो 4 एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिए हैं। अब आगे एनसीईआरटी ने एक पूरी टेबल बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक पूरी टेबल उसने बनाई हुई है, और इसमें हर एक फाइलम के अलग अलग फीचर दिए गए हैं। जैसे ये पहला पोरीफेरा है, एक सेकेंड, तो ये पहला पोरीफेरा है, तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेलुलर होता है, सिमेट्रिक कई तरह की यानी जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं, सीलोम जो होता है एबसेंट होती है, सेगमेंटेशन एबसेंट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ फिर बताते हैं। तो जैसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ देखी गई, तो आपका आंसर होगा प्लेटीहेलमिंथेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख रहे हैं आप, पहले वेरियस था, रेडियल था, रेडियल था, बाइलेटरल सिमेट्री, पहली बार हमें प्लेटीहेलमिंथेस दिखी। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कंप्लीट कहाँ देखा गया, तो उसका आंसर है एस्केल्मेंथिस। तो पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हमको यहाँ पे देखिए, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कंप्लीट हमें सबसे पहले एस्केल्मेंथिस में दिखा, ठीक। और फिर उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कहाँ प्रेजेंट हुआ, तो एनेलिडा, यहाँ पे देखिए एनेलिडा में सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हुआ। फिर चौथी चीज़ है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो ऑर्थ्रोपोडा में, यहाँ देखिए ऑर्थोपोडा में, यहाँ सब जगह एबसेंट 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 है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑर्थ्रोपोडा में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा गया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, ये टेबल रिवाइज करने के लिए काफ़ी काम में आ सकती है, ठीक। आपको हर चीज़ें, सारी चीज़ें सिंपल जो हैं अच्छे तरीके से दी गई हैं, और यहाँ पर आपको सिंपल जो कॉमन फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे हम प्लेटीहेलमिंथेस की बात करें तो फ्लैट बॉडी होती है, सकर्स इसमें पाए जाते हैं खून चूसने के लिए, ठीक। फिर एस्केल्मेंथेस की बात करें तो ऑफन वॉर्म की तरह होते हैं, वॉर्म शेप्ड होते हैं, एलोंगेटेड लंबे होते हैं। तो कॉमन फीचर्स दिए गए हैं, जैसे अभी जो हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं। कॉर्ड डेटा, तो कॉर्ड डेटा में नोटोकॉर्ड होती है, ठीक, गिल स्लेट्स पाए जाते हैं, लिम्स होते हैं। तो ये चीज़ें सिंपल है, दी गई हैं आपको, याद करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और ये है लेटेस्ट वर्जन एनसीईआरटी का जो आज को आपने कंप्लीट किया, पूरी एनसीईआरटी। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइजेस दी गई हैं और समरी दी गई है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस कुछ ज़्यादा हो रही थी, तो एक्सरसाइज से एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी आपको, तो क्योंकि एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स होते हैं वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक। It's not a game, it's a rage game.